हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम अभिषेक स्टेक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई का कोविड-19 के अंदर जो सेकंड पैकेज इश्यू किया गया है उसके बारे में, और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस हैं और रिलीफ अनाउंसमेंट्स क्या हैं, उसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमें कौन सी हाइलाइट्स हैं जिनको नोट करने की जरूरत है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन हम यूज कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपने क्लास नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, जितनी भी हमारी करंट अफेयर की वीडियोस अभी चल रही हैं जो कि प्रीलिम्स 2020 और 2021 के लिए सेटल रहेंगी, तो उसके लिए एक इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर कोर्स हम बना रहे हैं। उस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन लिंक है दैट इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, तो आप लोग सब इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके सारे जो करंट अफेयर के वीडियोस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो एक जगह पे कंसोलिडेटेड हो जाएं। कोई भी इश्यू एंड एनालिसिस लेवल की जो चीज है इकोनॉमी के अंदर वो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। दिस इज द एंडेवर एट माय एंड, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। ओके, सो एज फार एज द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इज कंसर्न, तो 22 मई को जो अनाउंसमेंट्स आरबीआई के द्वारा की गई है उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई ने एक अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन करने की कोशिश की है थ्रू आउट द कोविड-19 सिचुएशन। अंडर दिस अकोमोडेटिव स्टैंस बेसिकली द रेपो रेट हैज बीन अगेन रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.4% नाउ टू 4%, सो 40 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन इन द रेपो रेट फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके साथ ही जो कॉरिडोर है उसमें एमएसएफ रेट और बैंक रेट्स भी नीचे आ गए हैं, सो दे हैव नाउ रिड्यूस्ड टू 4.25% एंड द रिवर्स रेपो रेट हैज आल्सो रिड्यूस्ड टू 3.35%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बैंक अब आरबीआई से पैसे उधार लेता है तो उसको रेपो रेट के हिसाब से 4% का रेट देना पड़ेगा, और अगर वो आरबीआई में ही एक सेफ हेवन ढूंढ के अपने पैसे वहीं रखना चाहता है तो अब उसको सिर्फ 3.35% का ब्याज मिलेगा आरबीआई से, तो बेटर उसके लिए यही होगा कि वो मार्केट में लेंड करे। दूसरी चीज जो यहाँ पे समझने की जरूरत है वो है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जो कि इसमें बहुत एक अच्छा सेटअप आरबीआई ने अब क्रिएट कर लिया है। सो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का मतलब ये है कि जो बैंक्स हैं वो अपने लेंडिंग रेट अब एक एक्सटर्नल बेंचमार्क के हिसाब से ही सेट करते हैं सिंस अक्टूबर 2019, तो तब से अब ये सिस्टम है, और इससे डेफिनेटली जो बैंक्स हैं उनकी ऑन लेंडिंग बढ़ेगी और उनका जो लेंडिंग रेट है वो अब बेटर एडजस्ट हो पाएगा। हमने जो एमसीएलआर वाली फैसिलिटी शुरू की थी अब उसकी जगह पे एक्सटर्नल बेंचमार्किंग चलती है, तो इससे डेफिनेटली जो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें बहुत फर्क पड़ता है और लिक्विडिटी मार्केट में अब इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आज की जो वीडियो है ये 6 बजे प्रीमियर की जा रही है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आपके साथ चैट में बना रहूंगा इस वीडियो के दौरान, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो प्लीज अपने चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप कीजिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप अपने साथ के साथ ही पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप मुझे ईमेल के ऊपर कोई भी अपने डाउट्स जो है वो हमेशा भेज सकते हैं। माई ईमेल आईडी एज यू ऑल नो इज abhishek@abhimanyu.com और प्रेजेंटेशन के अंदर भी वो ईमेल आईडी गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं दे आर इन 4 कैटेगरीज। सो फर्स्ट इज टू इम्प्रूव मार्केट सेंटिमेंट्स। अब पहले इसको समझ लेते हैं, ये सबसे जरूरी है। एसेंशियली हमारी मार्केट में भी हो क्या रहा है दैट डिमांड हैज फॉलन एंड सो हैज द सप्लाई, ये दोनों ही नीचे जा रहे हैं। अब सप्लाई साइड तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि माइग्रेंट लेबर हमारी छोड़ के जो इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स हैं उनको जा छोड़ के अपने वापस घरों को जा रही है। डिमांड बहुत ज्यादा कर्टेल हो गई है बिकॉज हर तरह की जो अननेसेसरी बाइंग है वो रुक चुकी है। अब वाइट मेटल गुड्स हो चाहे कुछ भी हो वो सब लोगों ने खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। ठीक, इसकी वजह से डिमांड इज वेरी मच कर्टेल्ड इन द मार्केट, और हमारी जो इकोनॉमी है 60% इंटरनल डिमांड के ऊपर रिलायड है, उसके बेसिस पे ही उसकी ग्रोथ होती है। अब इसको रिवाइव करना आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, और ये एक और कंसर्न आ रहा है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली आरबीआई ने पॉइंट किया है दैट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, बट राइट नाउ इन्फ्लेशन इज नॉट द मेजर कंसर्न फॉर आरबीआई। द कंसर्न फॉर आरबीआई राइट नाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आपको याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक इन्फ्लेशन, ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं।
तो इस टाइम पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव आरबीआई के सामने है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इट हैज बीन स्टेटेड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव पेरिफेरी. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स अनदर सम मेजर्स हैव बीन अनाउंस्ड, वी विल बी लुकिंग इनटू दैट. देन देयर इज ईजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ कॉमन मैन एंड रिड्यूसिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस. इन चार कैटेगरीज के ऊपर आरबीआई ने आज जो मेजर्स हैं वो अनाउंस किए हैं. लेट्स लुक इन टू देम वन बाय वन. सो स्टार्टिंग विद द मेजर्स टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट, तो दो चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है. पहला है प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम सिडबी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज. सो एसेंशली हो क्या रहा है, आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए के आसपास सैंक्शन किया था यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रीफाइनेंस करने के लिए. रीफाइनेंस फैसिलिटी आप सबको याद है कि एसेंशली सिडबी प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू द बैंक्स विच आर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू द बोरोवर्स इन पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो जितना ये क्रेडिट यहाँ देंगे उस हिसाब से इनको यहाँ से रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी. तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है. और लेकिन ये क्रेडिट डिस्पर्सल बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, तो 90 दिन की लिमिट इसमें दी गई थी अप टिल द एंड ऑफ दिस मंथ दैट इज मे. अब इसको बढ़ाया गया है, सो इट विल बी अवेलेबल फॉर अनदर 90 डेज दिस पर्टिकुलर फंड रीफाइनेंस फैसिलिटी दैट इज फॉर अप टिल एंड ऑफ ऑगस्ट. तो सारे के सारे जो आरबीआई के रिलीफ मेजर्स हैं दे हैव बीन नाउ एक्सटेंडेड टिल ऑगस्ट 2020. So this is the core stance that you can carry forward. ठीक है, I hope ये समझ आ गया होगा आपको. Second measure पे चलते हैं जो इसी चीज के लिए है, that is investment by foreign portfolio investors under voluntary retention route. तो सबसे पहले तो prelims के हिसाब से ये समझना जरूरी है कि ये voluntary retention route है क्या. So voluntary retention route basically foreign portfolio investors के लिए एक mechanism है जिसको मार्च 2019 में आरबीआई ने लॉन्च किया था. इसमें एसेंशली होता क्या है कि किसी भी एफपीआई को 3 साल के लिए अपने फंड्स जो हैं वो इंडिया में ही रिटेन करने हैं. सो 3 साल का रिटेंशन पीरियड है, फिक्स्ड है कि जब एक बार कोई एफपीआई इन्वेस्टमेंट होगा तो 3 साल के लिए वो फिक्स रहेगा. और एक बार जब वो फंड्स इंडिया में आ जाते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको इन्वेस्ट करना होता है. तो ये इसके अंदर बेसिक सा क्राइटेरिया है. अगर तो किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये वीआरआर है तो गवर्नमेंट के अंदर इसकी जो लिमिट है That is 40,000 crore rupees. और ये VRR दूसरा ऑप्शन है corporate के लिए, तो corporate में जो इसकी लिमिट है that is 35,000 crore rupees. तो इस तरह के जो इसमें लिमिट्स दिए गए हैं foreign portfolio investor के अंदर. अब इसमें फायदा बेसिकली क्या होता है कि वी आर एबल टू क्रिएट करेंसी स्वैप्स अगेंस्ट द डॉलर ऑफ द सिमिलर अमाउंट जितने यहाँ पे foreign portfolio investments आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास sufficient amount ऑफ पीरियड टाइम पीरियड के लिए ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में ही रहेंगे. तो एक स्टेबिलिटी बनती है, इसी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट हम जो है डॉलर स्वैप्स कर सकते हैं और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी स्टेबल होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल होता है. अब इस वीआरआर स्कीम के अंदर क्या किया गया है, एफपीआईज को काफी डिफिकल्टी आ रही थी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट सेटल करने के लिए. तो इसमें बेसिकली द इश्यू इज अडियरिंग टू द कंडीशन दैट एटलीस्ट 75% ऑफ द अलॉटेड लिमिट्स. इसमें हमने बात किया कि वीआरआर गवर्नमेंट की लिमिट है 40,000 करोड़ और वीआरआर कॉर्पोरेट की लिमिट है 35,000 करोड़ इज टू बी इन्वेस्टेड विद इन 3 months. नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एन एडिशनल 3 months विल बी अलाउड फॉर दिस एफपीआईज टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट. तो मतलब अब ये 6 महीने के अंदर अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको कर सकते हैं बजाय कि 3 months के अंदर. इन्वेस्टमेंट करना भी इस टाइम पे मुश्किल है बिकॉज आप समझ सकते हैं कि सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट शटडाउन के तौर पे चल रही है, कुछ खास प्रोडक्शंस नहीं हो रही, तो ये डिसीजन लेना अभी बहुत मुश्किल है. आगे जाके अगले 3 महीने के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स जो है थोड़ी बेटर हो पाएंगी तो भी एक बेटर मार्केट सिनेरियो निकल के आएगा. सो ये जो दोनों अभी मेजर्स हैं दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द मार्केट सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मोस्ट certainly they will be helpful, but it is yet to be seen in terms of full impact. Okay, moving on, measures to support exports and imports. तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि export credit और import की payment, इन दो चीजों के ऊपर बात की गई है, तो सीधा उस पर चलते हैं. So export credit जो है अब RBI ने उसकी जो म्याद होती है 9 महीने से बढ़ा के उसको 15 महीने कर दिया है.
ताकि ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट आपको मिल सके। एसेंशियली होता क्या है कि एक्सपोर्टर्स जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो उनको उसकी रियलाइजेशन करनी है, बेसिकली द रियलाइजेशन ऑफ बिल्स हैज टू बी देयर विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, दैट इज 9 months. नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्सपोर्ट्स मेड अप टू 31st of July. तो पहली ईजिंग तो ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट आपने किया है उसकी पेमेंट जो है वो 9 महीने की बजाय 15 महीने के अंदर आप ले सकते हैं, अगर वो एक्सपोर्ट 31 जुलाई तक किया गया है तो। दूसरा जो क्राइटेरियन है वो ये कि प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक्स को अब अलाउ किया गया है दैट आमतौर पर एक साल के लिए ये क्रेडिट अवेलेबल होता था, अब इसको बढ़ा के 15 महीने के लिए, दैट मीन्स 3 महीने और इसको बढ़ा दिया गया है फॉर ऑल दी डिसबर्समेंट्स विच हैव बीन मेड टिल 31st July 2020. बिकॉज आमतौर पे ये जो पैसा है बेसिकली एक्सपोर्टर जब उसकी पेमेंट आएगी तभी एक्सपोर्ट क्रेडिट का वो पे ऑफ करता है, तो उसमें क्योंकि लैग आ रहा है तो इसी वजह से यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी बनती है। चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर समझ आ गया है तो येस टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर एक्सिम बैंक फॉर इंडिया। सो अब एक्सिम बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली क्या है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स विद अ व्यू टू प्रमोटिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ एन एक्सिम बैंक बेसिकली रिलाइज ऑन फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज रेज्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर इट्स ऑपरेशंस एंड इट इज फेसिंग चैलेंज टू रेज फंड्स इन द इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट। तो इसको बेसिकली डॉलर्स या फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है बिकॉज यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चाहिए। अब बेसिकली एक्सिम बैंक के लिए भी 15,000 करोड़ की एक क्रेडिट लाइन आरबीआई ने 90 दिन के लिए एक्सटेंड की है ताकि वो भी जैसे जैसे जरूरत हो वैसे यूएस डॉलर स्वैप फॉरेन करेंसी रेज करने के लिए यूज कर पाए और उसको आगे एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर्स को अवेलेबल करा पाए। सो दिस इज द कोर कंसर्न है। देन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स, दिस इज अनदर मेजर फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स। तो एसेंशली क्या है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फीमा, सो अंडर फीमा देयर इज अ सर्टेन टाइम लिमिटेशन, सो एनी काइंड ऑफ नॉर्मल इंपोर्ट्स व्हिच आर हैपनिंग इनटू इंडिया एक्सक्लूडिंग, नॉर्मल इंपोर्ट कौन से होते हैं, दोज एक्सक्लूडिंग गोल्ड डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स और ज्वेलरी, सो देयर पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट बाय द ओवरसीज सप्लायर। कहने का मतलब वहां से चलते ही टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द अमाउंट्स आर विदहेल्ड टुवर्ड्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है कि किसी चीज की मैं चला के देखूंगा उसके बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो उस केस में आप अमाउंट विदहोल्ड कर सकते हो, पर ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफिकेशन जारी कर रखी है कि कौन कौन सी यहाँ कवर होती है। ठीक है, देन अभी इसमें डिसीजन क्या लिया गया है, दे हैव बेसिकली डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिमिटेंसेस अगेंस्ट नॉर्मल इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया From 6 months to 12 months. अब इसको बढ़ा के 6 महीने का इसमें टाइम जो है वो और दे दिया गया है फॉर ऑल द शिपमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट्स विच हैव बीन स्टार्टेड अप टिल 31st of July 2020. सो दिस इज द बेसिक कंसर्न। तो 31 जुलाई तक जितनी शिपमेंट्स हो गई हैं अब उनके लिए जो टाइम है फॉर द रीपेमेंट और फॉर पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स उसको 6 महीने से बढ़ा के 12 महीने किया गया है। ठीक है, तो प्रिलिम्स के हिसाब से याद रखना है कि जनरली क्या होता है फीमा के अंदर, और अभी इश्यू एंड एनालिसिस या करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना है कि उसमें एक्सटेंशन क्या की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, मेजर्स टू ईज द फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो एसेंशियली आम आदमी के लिए जो अनाउंसमेंट की गई है दैट इज मॉरेटोरियम ऑन टर्म लोन इंस्टॉलमेंट फॉर अनदर 3 months टिल ऑगस्ट 2020. तो पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, तो इसको मिला के अब पूरे 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम ऑन एनी काइंड ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स हैज बीन डन। Second is deferment of interest on working capital facilities sanctioned in the form of cash credit overdraft. तो basically ये भी बढ़ा के till 31st August कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक problem आ रही थी कि how will this interest will be paid at a later stage. तो पहले ये जो payment of interest था this was to be made in a single transaction which would be difficult for the industries who have availed this working capital facility. तो इस वजह से अब RBI ने ये announcement की है that that particular interest will be converted into a interest term loan. Okay, so that will then be repayable within the current financial year. तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपका payment of interest जो रह गया है उसको सारे को एक loan बना देंगे और आप installments में उसको pay कर पाएंगे बजाय कि एक ही बार में उसको pay करने के।
ठीक है. नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट की गई है फॉर ईजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ कॉमन मैन इज दैट एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल फॉर ऑल सच अकाउंट्स टिल अगस्त 2020. तो बेसिकली जो हम एनपीए या इस तरह की क्लासिफिकेशन किया करते थे तो वो सब रोक लगा दी गई है. अब कोई भी जो जिस तरह से अभी अकाउंट्स थे हमारे सारे मोरेटोरियम पीरियड से पहले तो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें कुछ क्लासिफिकेशन में चेंजेस नहीं आएंगे. देन ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इन ऑर्डर टू स्मूदन द इम्पैक्ट ऑफ बोरोवर्स. सो बेसिकली इसमें क्या किया गया है दैट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू रिस्टोर द मार्जिंस टू द ओरिजिनल लेवल्स बाय मार्च 31, 2021. तो जितना इन्होंने वर्किंग कैपिटल निकाल लिया था ठीक है, अब उसको रिस्टोर करके मैक्सिमम तक उसको दोबारा फिर से ले जाए जितना वो क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हैं उतना उनको फिर से मिल रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट. सो एक्सटेंशन ऑफ रेजोल्यूशन टाइमलाइन. सो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई के समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइमलाइन होता क्या है पहले. सो द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 20% इन केस ऑफ लार्ज अकाउंट्स अंडर डिफॉल्ट इफ द रेजोल्यूशन प्लान हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड विद इन 210 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट. तो आपको याद है 90 दिन का अगर ईएमआई ना आए तो हम डिफॉल्ट में चले जाते हैं, एनपीए डिक्लेयर हो जाता है. एनपीए डिक्लेयर होने के 210 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन होना चाहिए. अब अगर ये रेजोल्यूशन नहीं होता है तो बैंक्स के लिए 20% का जो एडिशनल प्रोविजनिंग नॉर्म लगना शुरू हो जाता है. तो अगर सपोज 1 करोड़ का लोन दिया तो 1 करोड़ 20 लाख बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा. देन गिवन द कंटिन्यूइंग चैलेंज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू एक्सक्लूड द एंटायर मॉरेटोरियम और डिफरमेंट पीरियड फ्रॉम 1st मार्च 2020 टू 31st अगस्त 2020 from the calculation of the 30-day review period or 180-day resolution period if the review resolution period has not expired as on 1st March 2020. So basically, जो 6 महीने का बीच में ये time period आ रहा था, अब वो आप इस 210 दिन में calculate कर सकते हैं. तो essentially अब 270 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये 20% extra रखना है. अब सीधा सीधा सिर्फ 210 दिन के बाद ही नहीं रखना है. Simple सा इसका मतलब इतना ही. ठीक है, चलिए. लिमिट ऑन ग्रुप एक्सपोजर अंडर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क. तो एसेंशली जो हमारे डेट मार्केट्स हैं, जो जितने भी कैपिटल मार्केट्स हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है. ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस जो डेट के लिए या पैसे के लिए है वो बैंकों के ऊपर ही बनी हुई है. सो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको अब ज्यादा लिक्विडिटी या ज्यादा डेट अवेलेबल कराने के लिए हमारा जो एक्सपोजर फ्रेमवर्क की लिमिट एक बैंक के लिए सेट की गई थी फॉर अ सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनीज उसको बढ़ा दिया गया है. कहने का मतलब ये है लेट्स से अ बैंक इज लेंडिंग मनी टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच आर बेसिकली अ सिंगल कॉर्पोरेट एंटिटी सो विच इज हैविंग मेनी डिफरेंट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर इट. सो इसका एक लेट्स से ये 100 रुपए लोन टोटल देता है उसमें से 25% की लिमिटेशन इसके ऊपर सेट है कि आउट ऑफ दी ऑल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC ये सिर्फ 25% ही एक सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे सकता है. अब इसमें 5% बढ़ा दिया गया है. दिस कैन बी नाउ गोइंग टू 30%. अगर उसको लगता है कि ये मेरा क्लाइंट अच्छा है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज विल बी एबल टू टेक अप मोर क्रेडिट, सो इट कैन गिव 5% मोर. सो दिस हैज बीन रिलैक्सेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ लिमिट ऑन ग्रुप एक्सपोजर्स. नहीं तो एक सिंगल ग्रुप को एक पर्टिकुलर बैंक का जो एक्सपोजर है वो लिमिट किया जाता है ताकि वो सिर्फ उसी को ना केटर करता रहे, बाकियों को भी केटर करे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डेट मैनेजमेंट. सो देयर इज अ पर्टिकुलर फंड कॉल्ड कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. तो इसको लेके कुछ रिलीफ मेजर्स दिए गए हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट के पास 13,300 करोड़ का कुछ एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा. इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली under the consolidated shrinking fund scheme what happens is that the state governments maintain a particular CSF with the reserve bank as a buffer for repayment of their liabilities. State governments ne bahut sara loan liya hota hai reserve bank se to wo jo liabilities ki repayment time to time honi hai uske against wo ek particular fund maintain rakhte hain taki usme se timely installment jati rahe. ab basically isme thodi relaxation di gayi hai. So basically what has happened is RBI has decided to relax the rules governing the withdrawals from CSF. So apne is fund mein se ab states paisa nikal payenge while at the same time ensuring that the depletion of the fund balance is done is funded prudently. And what will happen with this is that this will enable the states to meet about 45% of their redemptions
due in 2021, and the change in withdrawal norms will come into force with immediate effect and will remain valid till 31st March 2021. So, कुछ पैसा जो है इस फंड में से जो states maintain करके रखते थे CSF में से वो अपना निकाल के यूज कर सकते हैं, और बाकी का जो पैसा है वो आरबीआई को जाता रहेगा इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स देयर लायबिलिटीज। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी जो हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप अपनी चैट में मेरे से अभी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी दैट इज abhishek@abhimanyu.com पे जब चाहे तब पूछ लीजिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द करंट अफेयर कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, सो दैट इज अ फ्री कोर्स विद उसका डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो के लिंक के अंदर दिया गया है। सो फ्री कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपने जो करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी दे कैन अवेल द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, सेट विल रिमेन फ्री फॉर यू फॉर लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया बाद में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, एंड इसमें लगातार अगर आप देखेंगे कोर्स के अंदर जाके तो वीडियोस बढ़ती चली जाएंगी, आज की वीडियो भी उस कोर्स में जाके अटैच हो जाएगी आफ्टर अ वाइल। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आगे भी कोई भी ऐसे टॉपिक्स हों जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या हमारे करंट अफेयर्स के अंदर जरूरी होगा, तो वी विल बी कीपिंग अप विद दैट इन अभिषेक स्टेक। थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड स्टडी सेफ। दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।